अगर आपसे कोई पूछे कि मूर्ख दिवस कब है तो आपका जवाब होगा 1 अप्रैल। ये पूरी दुनिया को पता है कि अप्रैल फूल डे 1 अप्रैल को पूरी दुनिया में मौज मस्ती और हंसी मजाक के साथ एक दूसरे को मूर्ख बनाते हुए मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1 अप्रैल के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम आपको अप्रैल फूल डे से जुड़ी 10 रोचक बातें बताने जा रहे हैं। इन रोचक तथ्यों की मदद से आप मूर्ख दिवस की असली कहानी जान पाएंगे। वॉशिंग द लायंस का टिकट। लंदन में कई लोगों को वॉशिंग द लायंस यानी शेर की धुलाई देखने के लिए 1 अप्रैल 1698 को धोखे से टावर ऑफ लंदन ले जाया गया था। तब इसकी पारंपरिक घोषणा हुई थी। हालांकि 1857 से वॉशिंग द लायंस का टिकट जारी होने लगा। नौकर का मालिक बनना। यूरोप देशों में पुराने समय से 1 अप्रैल के दिन हर मालिक नौकर की भूमिका अदा करता और नौकर मालिक बनकर हुक्म चलाता था। नौकर बने मालिक को उसका हर आदेश पूरा करना पड़ता था। वह मालिक नौकर के लिए खाना बनाता, कपड़े धोता और उसके बताए अन्य सभी कार्य विनम्रता पूर्वक करता था। यह सच्ची घटनाएं थी जिन्हें दुनिया समझ बैठी अप्रैल फूल। सबसे मोटे आदमी की प्रदर्शनी। फ्रांस के नार्मेडी में 1 अप्रैल को एक अनोखा जुलूस निकलता था जिसमें घोड़ा गाड़ी में सबसे मोटे आदमी को बैठाकर सारे शहर में घुमाया जाता ताकि उसे देखते ही लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर नाचने गाने लगे। डेनमार्क में मार्च कार्ट। डेनमार्क में 1 मई को मार्च कार्ट के रूप में जाना जाता है जिसका मतलब मे कैट होता है और ऐतिहासिक रूप से अप्रैल फूल डे के समान होता है। हालांकि डेनमार्क वासी अप्रैल फूल डे भी मनाते हैं। पॉइजन डी एवरिल। फ्रांस और फ्रांसी भाषा कनाडा में 1 अप्रैल की परंपरा में पॉइजन डी एवरिल शामिल है जिसमें एक पेपर मछली को शिकार की पीठ पर चुपके से चिपका दिया जाता है। यह परंपरा अन्य देशों में भी फैली हुई है जैसे कि इटली। 32 मार्च का दिन। मूर्ख दिवस के संदर्भ में पहला संबंध चौसर के कैंटरबरी टेल्स में पाया जाता है। ब्रिटिश लेखक चौसर की किताब द कैंटरबरी टेल्स में कैंटरबरी नाम के एक कस्बे का जिक्र है। इसमें इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी की सगाई की तारीख 32 मार्च 1381 को होने की घोषणा होती है जिसे कस्बे के लोग सही मानकर मूर्ख बन जाते हैं। तभी से 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी और 1 अप्रैल। मध्यकाल से यूरोपीय शहरों में न्यू ईयर्स डे 25 मार्च को मनाया जाता है। फ्रांस के कुछ हिस्सों में न्यू ईयर्स सप्ताह भर चलने वाली छुट्टी थी जो 1 अप्रैल को खत्म होती है। इसीलिए यह संभव है कि अप्रैल फूल की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि जिन लोगों ने 1 जनवरी को इसे मना लिया था उन लोगों ने दूसरी तिथियों को यह दिन मनाने का मजाक उड़ाया था। नववर्ष दिवस के रूप में 1 जनवरी का इस्तेमाल 16वीं शताब्दी के मध्य तक फ्रांस में आम था। मटकी की कहानी। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक अप्सरा ने किसान से दोस्ती की और कहा, यदि तुम एक मटकी भर पानी एक ही सांस में पी जाओगे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मेहनत कश किसान ने तुरंत पानी से भरा मटका उठाया और पी गया। जब उसने वरदान वाली बात दोहराई तो अप्सरा बोली, तुम बहुत भोले भाले हो, आज से तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम अपनी चुटीली बातों द्वारा लोगों के बीच खूब हंसी मजाक करोगी। अप्सरा का वरदान पाकर किसान ने लोगों को बहुत हंसाया। हंसने हंसाने के कारण ही एक हंसी का पर्व जन्मा जिसे हम मूर्ख दिवस के नाम से पुकारते हैं। चीन का साधु। चीन में सनंती नामक एक संत थे जिनकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी। एक दिन उनकी दाढ़ी में अचानक आग लग गई तो वे बचाओ बचाओ कहकर उछलने लगे। उन्हें इस तरह उछलते देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी संत ने कहा, मैं तो मर रहा हूँ लेकिन तुम आज के ही दिन खूब हंसोगे। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। InstaFeed.